गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, रियल नंबर। रियल नंबर में कल हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दी गई है सीबीएसई की तरफ से, आज पढ़ेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज में है क्या, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। इरेशनल नंबर प्रूफ हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या किसी भी नंबर को, आप लोगों को बच्चों ये पता होगा, √2, √3, √5, ये सब कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे और इनको इरेशनल प्रूफ करेंगे। कोई भी एक हम प्रूफ कर देंगे और फिर उसके बाद आप लोग इसी पैटर्न पे रहेगा, तो आप लोग बाकी का प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए बच्चों है क्या, √2, √3, √5 को मान लो इरेशनल प्रूफ करना है। तो एक क्वेश्चन हम चलो लेकर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों। जैसे हम प्रूफ करा रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको प्रूफ करना है, और √5 की जगह पे कोई भी नंबर हो, √2, √3, √7, जिसको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो बिल्कुल यही मेथड आप लोग अपनाइएगा। तो इसको करेंगे क्या, कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है कि जो आपको प्रूफ करना है उसको आप गलत मान लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे प्रूफ करना है √5 इरेशनल है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि √5 रैशनल है, और फिर लास्ट में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हम ये कह पाएंगे कि जो हमने माना था, जो हमारा एजम्पशन था, वो रॉन्ग था, इस वजह से √5 रैशनल नहीं होगा, √5 इरेशनल होगा। तो बच्चों मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसका प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 बी अ रैशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट √5 बी अ रैशनल नंबर। अब देखिए √5 अगर रैशनल नंबर है, देन देन √5 कैन बी रिटेन एज पी बाई क्यू, सच दैट जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1, सच दैट जीसीडी ऑफ P एंड Q इज 1। तो कोई बताएगा कि GCD का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCD, एनी वन ऑफ यू, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCD, एनी वन ऑफ यू। ओके चलिए, अच्छा हम ही बताते हैं बच्चों। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो पी बाई क्यू लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, ये ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में है कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर लिखा हुआ है 4/8, तो क्या यहां पर 4 और 8 का GCD, या आप कह दो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, बात एक ही है, क्या 4 और 8 का HCF 1 होगा, नहीं होगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो हमने जो बच्चों ये √5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, और ऐसा लिखा कि ये जो पी और क्यू है उनका GCD 1 है, वो इसलिए इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पी और क्यू हमने लिया है बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहेंगे, किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहेंगे, जब उस फ्रैक्शन को फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। अब जैसे यहां पे 4/8 था, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो 4/8 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये जो 1/2 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि इसको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो
फिर से समझिए, हमें रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना था, हमने मान लिया, assume that root 5 be a rational. अगर root 5 rational है, तो उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. p और q numerator और denominator हैं. और gcd of p and q is 1. साथ ही साथ ये जो p और q हैं, वो अपने simplest फॉर्म में हैं. मतलब ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है p by q, वो अपने simplest फॉर्म में हैं. p by q ऐसा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जिसको कि फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. जैसे कि 4 बाई 8 को हम 1 बाई 2 लिख पा रहे हैं, तो इस टाइप का नहीं है. इस टाइप का फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों, वो क्या है, 1 है. p और q, जो p बाई q लिखा हुआ है, वो फ्रैक्शन किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन यहीं से हमको मिलेगा. p बाई q ये जो हमने लिया, ये कैसे फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है. मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. p बाई q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ठीक है, अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे ये 1 बाई 2 हो गया, मान लो हमने ले लिया 3 बाई 5, तो 3 बाई 5 भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते. तो आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 3 एंड 5, आप क्या बोलोगे, 1. तो ये जो p by q जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है बच्चों, ये इस टाइप का है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. और अगर कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF क्या होता है, 1 होता है. आपके सामने मैंने दो एग्जांपल यहां पे रखे हैं. 3 by 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका जीसीडी या HCF क्या आएगा, 1. 1 by 2 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका भी HCF क्या आएगा, 1. बट 4 by 8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों नहीं है, इसका HCF क्या आएगा, 4 आएगा. तो ये जो रूट 5 को हमने रैशनल फॉर्म p by q माना है, तो ये p by q ऐसा है कि इनका जो p और q का जो हम HCF निकालेंगे बच्चों, वो क्या है, 1 है. 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो p और q को दोनों को डिवाइड कर रहा हो यहां पर. चलिए प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं. तो हमें प्रूफ करना था रूट 5 इरेशनल है, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि रूट 5 जो है रैशनल नंबर है. इरेशनल प्रूफ करना था, मान लिया रैशनल है. और कोई भी नंबर अगर रैशनल है, तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसलिए हमने रूट 5 को क्या लिख दिया, p बाई क्यू, सच दैट p और q का जो HCF या GCD है बच्चों, वो क्या है, 1 है. चलिए अब आगे करते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बच्चों जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, तो आपको मिलेगा 5 = p² अपॉन q स्क्वायर. क्या मिलेगा, 5 = p² अपॉन q स्क्वायर. आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा क्या, p² = 5q². क्या मिलेगा, p² = 5q². अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए. अब कुछ रिजल्ट या कुछ समझाने जा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा क्या है, देखिएगा. लिखा हुआ है p² = 5q² हमने अगली लाइन में लिखा, दिस विल इंप्लाइज दैट 5 divides p² दिस विल इंप्लाइज दैट 5 divides p² बच्चों एक एग्जांपल से पहले इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या. लिखा हुआ था p² = 5q² और हमने लिख दिया 5 divides p² क्यों लिखा, ये क्या है इसका मतलब, समझिए थोड़ा सा. अगर बच्चों आपसे हम कहें 144 को हमने लिख दिया 4 × 36, यानी कि 12 का स्क्वायर इज 4 × 6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं. अब बच्चों ये बताइए, ये जो नंबर है 4, क्या 4 जो है वो 144 को डिवाइड नहीं करेगा. अगर हम लिखते हैं 4 divides 144, मतलब 4 144 को डिवाइड करेगा. आप देख रहे होगे यहाँ पे 144 लिखा हुआ है LHS में, और RHS में क्या है, 4 × 36. अगर आप ध्यान से देखेंगे, इससे कंपेयर कराने की कोशिश करेंगे, ये p² = 5q² टाइप में है. मान लो यहाँ पर 5 नहीं, हमारे पास 4 है, एक्चुअल में होना चाहिए प्राइम नंबर ही, बट ठीक है. तो यहाँ पर आप ऐसे कॉन्स्टेंट देखकर चलो,
तो p स्क्वायर इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट इनटू q स्क्वायर, उसी पैटर्न पे हमने ये एग्जांपल लिया। अब देखिए अगर किसी नंबर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर, यहाँ पे 4 है मान लो कोई प्राइम होता, इनटू एनी अदर नंबर का स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है या कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ये नंबर ये LHS वाले 144 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो 4 से डिवाइड करो 144 को, कर रहा है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर लिखा क्या है, हमने ये लिखा है जो 5 है, ये जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या गलत लिखा है? इसी पैटर्न पे तो लिखा, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे जैसे 4, यहाँ पे 4 इधर के LHS वाले 144 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 5 तो हम ये लिख सकते हैं 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर, जैसे ऐसे समझिए, अगर 5 625 को डिवाइड कर रहा है और आपको पता है 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो क्या 5 25 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? तो वही चीज बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p स्क्वायर यहां से मिला, this will imply that 5 divides p, clear hai bachcho? any doubt? हाँ, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 है, आप कोई और क्वेश्चन करोगे तो कोई और नंबर आएगा, ठीक है? तो आप देखिए है क्या, p स्क्वायर को लिखा जा रहा है 5 q स्क्वायर, जैसे मैंने बोला कि 12 के स्क्वायर को लिखा जा रहा है 4 into 6 का स्क्वायर, तो ये जो 4 है वो 12 के स्क्वायर यानी 144 को डिवाइड करेगा। हमने क्या लिखा, 4 डिवाइड्स 144 यानी कि 4 डिवाइड्स 12 का स्क्वायर, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा 5 डिवाइड्स p का स्क्वायर। आप ऐसे एग्जांपल पहले समझो और तब ये लाइन समझने की कोशिश करो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर 525 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 525 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई नंबर अगर किसी अदर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस अदर नंबर को भी डिवाइड करेगा। एक और चीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बुकों में ऐसे नोटेशंस भी डिवाइड्स के लिए यूज होते हैं, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। वो ये है, जैसे लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो बच्चों कुछ लोग या कुछ बुकों में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, मतलब ऑब्लिक की तरह आप सिंबल बनाओगे, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, बिल्कुल ऑब्लिक की तरह साइज का मत बनाना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, तो क्या लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, अगर आप लोग के माइंड में ये आ रहा हो कि ये 5 by p स्क्वायर, नहीं बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो अगर आप 5 by p स्क्वायर समझ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, हमने क्या लिखा है, वर्डिंग पे ध्यान दो, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर यानी कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या पढ़ेंगे इसको, 5 डिवाइड्स अपॉन, नहीं, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसी तरह से अगली लाइन में जो लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स p, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 डिवाइड्स p। इसको बच्चों मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अगर 5p को डिवाइड कर रहा है, जो कि अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, क्या 5p को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार में डिवाइड करेगा नहीं पता। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं कहूं 5 डिवाइड्स 15, क्या 5 डिवाइड्स 15, तो बच्चों यहां से 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई और आया बोला 5 डिवाइड्स 35, तो बच्चों 35 को हम 5 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि 5 अगर किसी नंबर को, दोनों एग्जांपल से समझिए, 5 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है
तो 5 में अगर हम किसी नेचुरल नंबर से, क्या 5 में अगर हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर आ जाएगा। मतलब ये अगर 5 15 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे समझो 5 अगर 15 को डिवाइड कर रहा है तो 5 की टेबल में, 5 की टेबल में 15 आएगा कि नहीं, कितनी बार आएगा अभी नहीं पता। यहाँ पे मान लो 3 बार में आएगा। अब जैसे यहाँ पे अभी हम बोलेंगे 5 p को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 की टेबल में p आएगा। अब p पता नहीं है, p एक अननोन टर्म है हमारे लिए, तो कितनी बार में जाएगा उसको भी कोई अननोन टर्म मान के चलेंगे, मान लेंगे कि हाँ इतनी बार में ये p पूरा आएगा। जैसे यहाँ से अगर वो p 15 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर वो p 15 है तो 5 की टेबल में वो 3 बार में आ रहा है। अगर कोई कहे p 35 है तो 5 की टेबल में वो 7 बार में जाएगा। तो बच्चों यहां से अगर हम ये लिख दें, दिस विल इंप्लाइज दैट क्या p इक्वल्स टू 5 इंटू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5 की टेबल अगर हम r बार पढ़े, जैसे यहां पर 3 बार या 7 बार पढ़ रहे थे, 5 3 जा 15 आ रहा था, 5 7 जा 35 आ जा रहा था, तो हमने ये मान लिया कि 5 की टेबल अगर हम r बार पढ़े तो हमें क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। r क्या है? कोई नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा, कोई भी नंबर हो सकता है। 5 की टेबल r बार पढ़ने पर हम मान लेंगे हमें क्या मिल रहा है, p मिल रहा है। तो यानी यहां से हमें मिला क्या, p इक्वल्स टू 5r। बच्चों ये 5r क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर हमें लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स p, मतलब 5 p को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है यानी 5 की टेबल में p आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या राइज होता है, कितनी बार में p आएगा, तो कितनी बार में p आएगा, हमने मान लिया r बार में p आएगा, नंबर तो हमें p का पता नहीं है। अभी 15 होता तो बोल देते सर 3 बार में आता, 5 इंटू 3। अगर 35 होता p की वैल्यू तो बोल देते सर 7 बार में आएगा, 5 इंटू 7। अब p है नहीं पता तो हमने मान लिया कि r बार में आएगा, कोई नेचुरल नंबर है यार, जैसे वहां पे 3 और 7 था। तो p इक्वल्स, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो 5 की टेबल में आएगा, कितनी बार में आएगा, हमने मान लिया r बार में आएगा। तो दिस विल इंप्लाइज दैट p इक्वल्स टू 5r। अब बच्चों करेंगे क्या, अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद हो, या स्टार शायद मैंने माना था, इसको 1 मान लो, इक्वेशन नंबर स्टार में देखिए, फ्रॉम स्टार, स्टार था क्या मेरे ख्याल से, यही तो था, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 q स्क्वायर। अब करिए क्या, p की वैल्यू ये जो 5r आई है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 25r स्क्वायर इक्वल्स टू 5 q स्क्वायर। क्या जाएगा बच्चों, 25r² = 5q² तो ये जाएगा 5 1 5 5 5 25, यानी 5r² = q² या आप इसको और करके क्या लिख सकते हो, q² = 5r². यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यो बच्चों हमने लिखा q² = 5r², यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा सबसे ऊपर लाइन देखिए, यहां पर जो सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए, कुछ लिखा हुआ है p² = 5q² और नीचे हमें क्या मिल रहा है, q² = 5r². तो अब हम प्रोसीजर रिपीट करने जा रहे हैं, रिपीट इन द सेंस कि आप यहाँ पर एक बार समझ चुके हो। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था p² = 5q² और अगली लाइन में हमने लिखा 5 divides p² तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अगली लाइन में, सॉरी 5 divides q² क्यों? इधर देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये जो नंबर मल्टीपल में था 5, यहाँ पे भी मल्टीपल में 5 है, इधर LHS में p स्क्वायर था, इधर LHS में q स्क्वायर है, तो इधर लिखे थे 5 divides p² क्योंकि LHS में p स्क्वायर है, यहाँ पे लिख रहे हैं 5 divides q² क्योंकि यहाँ LHS में q स्क्वायर है। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चों तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। ये देखिए ना, अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5 p को डिवाइड कर रहा था कि नहीं, हमने समझा दिया है। इसी तरह से अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, y1 and 2, y इक्वेशन 1
एन टू, बच्चों क्या मिला? वन और टू को जरा देखिए, वन और टू से हमें ये मिला फाइव डिवाइड्स पी एंड फाइव डिवाइड्स क्यू, मतलब इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ? अगर 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ GCD ऑफ, इट मींस GCD ऑफ p एंड q इज 5, मतलब जो p और q है उसका मतलब क्या, जो P और Q है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 5, क्योंकि 5 P को भी डिवाइड कर रहा है यानी न्यूमरेटर को, और 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है यानी कि डिनोमिनेटर को। अच्छा बच्चों, अब हमने अगर आपको याद हो जब एजम्पशन लिया था तो वहां पे GCD ऑफ P और Q क्या लिया था? 1 लिया था। P और Q कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म में था, और हमने बोला भी था यही एजम्पशन हमको रॉन्ग मिलेगा यहाँ पे। P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म में था, उसका GCD 1 लेकर चल रहे थे, यहाँ पे हमको क्या मिल गया? P और Q का GCD 5 मिल गया। वो ये बोलना चाह रहा है कि एक नंबर और है 5 जो P और Q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन बच्चों ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट मींस GCD ऑफ P एंड Q इज 5, बट क्या GCD of P and Q is 1, ये हमारे assumption में था कि P और Q जो हमने P/Q लिया था वो इस form में था कि उनका GCD या HCF क्या था? 1 था, तो हमारा assumption हो गया wrong। अगर GCD P और Q का 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 एक ऐसा number है जो P और Q दोनों को divide कर रहा है, but हमारे assumption के हिसाब से जो हमने P और Q लिया था वो ऐसा लिया था कि 5 और Q को केवल 1 divide करेगा और कोई नहीं, तो हम बट GCD ऑफ P एंड Q इज 1, इट मींस या दिस विल इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया तो हेंस हमारा एजम्पशन अगर स्टार्टिंग में आप ध्यान दोगे क्या था, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि जो एजम्पशन माने थे बच्चों वो तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये है कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। किसी को कोई डाउट? क्यों बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। अब रूट 5, अच्छा बताइए रूट 5 की जगह पे रूट 2 रूट 3 आ गया, रूट 7 आ गया, बोल रहा है इसको प्रूफ करिए रेशनल, तो क्या प्रूफ नहीं कर लोगे क्या? इसी पैटर्न पे तो है, रूट 2 को ही रेशनल प्रूफ करना है मान लो, रूट 3 को करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर सेम स्टेप आप कर देना। यहाँ पे 5 करके चल रहे थे, आपको 2 या 3 लिख कर चलना है, और बच्चों ऐसे करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में। बोर्ड में इस चैप्टर से यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन तो आना ही आना, हर साल आता है इससे इरेशनल प्रूफ करना। अब बच्चों होता क्या है, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ऐसे हो गया डायरेक्टली लिख दिया जाएगा प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कभी कभी दो नंबर में या तीन नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है, बोल दिया जाएगा प्रूव दैट 2+√3, क्या प्रूव दैट 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आया मान लो पेपर में, तो प्रूफ कैसे करेंगे? और ये आया था पिछले साल दो नंबर के क्वेश्चन में आया था, और हर साल इस टाइप के क्वेश्चन डिजिट चेंज हो जाती है लेकिन इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन तो आता जरूर है। तो बच्चों करेंगे क्या, बोला जा रहा है प्रूव दैट 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहली लाइन तो वही लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 2+√3 इज एन रैशनल, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, तो मान लेंगे क्या, लेट अस अज्यूम दैट 2+√3 इज रैशनल नंबर, ये रैशनल मान लो,
अब बच्चों अगर रैशनल मान लिया फिर वही बात, इसको हम लिख सकते हैं 2+√3 = p/q, लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1। वही स्टेप जैसे कि आपने प्रीवियस वन में किया था, यही स्टेप आपको पूरा क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे कि आपने प्रीवियस में किया था वही स्टेप आपको रिपीट करना है। जीसीडी ऑफ पी और क्यू क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब देखिए यहां से अब दो स्टेप्स होते हैं। पहली चीज तो ये आप 2 को ट्रांसफर कर दीजिए आरएचएस में, तो ये हो जाएगा √3 = p/q − 2। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से देखिए, एलएचएस में ये जो टर्म लिखे हुए हैं ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि p by q हमने रैशनल माना ही है, 2 रैशनल होता है और 2 रैशनल का डिफरेंस भी रैशनल ही होता है। अगर ये रैशनल है तो ये जो LHS में लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में बच्चों इक्वेलिटी साइन है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए कि नहीं? बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम ये जानते हैं कि √3 कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या था, हमने क्या एजम्पशन लिया था कि 2+√3 रैशनल है, तो ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। इट मींस 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब होगा क्या, एक चीज आपको मैं और याद दिला दूं, यहां पर बच्चों हमने ये यूज किया है कि √3 इरेशनल है ऐसा हम जानते हैं, √3 इरेशनल है बच्चों ऐसा हम जानते हैं। लेकिन अब देखिए आपके माइंड में होगा, सर तो फिर √3 इरेशनल दिया तो है नहीं, हम क्यों लिख लेंगे, हम जानते हैं। अब इसको करना क्या है बच्चों, करना यह है कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है। जैसा मैंने अभी किया, ये बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगर इसी क्वेश्चन को इसकी मार्किंग बढ़ा के 4 नंबर कर दी जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों जैसे ये 2+√3 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो सबसे पहले क्या करोगे, √3 को इरेशनल प्रूफ करोगे, पहला स्टेप, जो कि हम अभी √5 को करा चुके हैं। जैसे बिल्कुल वही क्राइटेरिया आपको पूरा छाप देना है, √3 5 था, यहाँ पे √3 कर देना, √3 को पहले इरेशनल प्रूफ करोगे और उसके बाद जो आगे का स्टेप अभी इससे पहले लिखे थे वो आगे के स्टेप तब करोगे, तब जाके आपको पूरा 4 मार्क्स मिलेगा। तो दोनों तरीका मैंने बताया, अब वो डिपेंड करता है पेपर में कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो वैसे करना, 3 या 4 नंबर में पूछा जा रहा है तो ऐसे करना, और अगर सीधा सीधा केवल ये पूछ लिया √2, √3 या √5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो वो मैंने पहले बता ही दिया है। तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज 1.3 में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लगाइएगा आप लोग यही पैटर्न यूज करके, केवल इरेशनल प्रूफ करना आपको पूछा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, ओके। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे 1.4, एक्सरसाइज 1.4, और उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, डेसिमल एक्सपेंशंस 9th में आपने पढ़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा जैसे ही 1.3 खत्म होती है तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक से जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन, 3 थ्योरम वहां पे दी हुई है विदाउट प्रूफ, आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कल इस पर डिस्कस करेंगे,